नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिकेट न्यूज में। और आज दोस्तों हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप में कब किस बॉलर ने हैट्रिक ली है और सबसे पहले किस भारतीय ने यहां पर हैट्रिक ली थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में भी बात करेंगे, जिस प्रकार से मोहम्मद शमी ने यहां पर भारत की तरफ से आईसीसी टूर्नामेंट 2019 के लिए यहां पर हैट्रिक ली है। अगर आप चाहते हैं कि भारत टीम इस टूर्नामेंट को जीते, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो हर किसी को पता नहीं होते हैं, तो ऐसे ही रिकॉर्ड्स के बारे में आप इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। यूं तो बात करें आईसीसी टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1975 में की गई थी और इस टूर्नामेंट को जीतने का कारनामा यहां पर वेस्ट इंडीज के नाम रहा था। इसके अलावा आपको बताने की ये जो वर्ल्ड कप था वो 60 ओवर का खेला गया था। अब आपको दिखाते हैं पहली हैट्रिक किसके नाम रही थी, तो पहली हैट्रिक भारतीय बॉलर के नाम रही थी जिनका नाम चेतन शर्मा है और इन्होंने 1987 में पहले हैट्रिक लेने का कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। इसके अलावा ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने यहां पर हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो साकिल मुश्ताक जो की 1999 में पाकिस्तान के बॉलर थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी यहां पर हैट्रिक लिया है और इसके अलावा आपको बताएंगे एक ऐसे भी बॉलर हैं जिन्होंने दो बार हैट्रिक लेने का कारनामा भी किया है। आपको बता दें कि यहां पर चामुंडावास जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं और 2003 में यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ चामुंडावास ने हैट्रिक लेने का कारनामा किया था जो कि यहां पर काफी बड़ा रिकॉर्ड इनके नाम रहे हैं। इसके अलावा बता दें आपको ब्रैडली ने यहां पर 2003 में यहां पर केन्या के खिलाफ यहां पर हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। और इसके अलावा अगर बात की यहां पर जो यहां पर लसित मलंगा जो कि श्रीलंका के एक मजबूत बॉलर माने जाते हैं जो कि यॉर्कर अगर मार दें किसी भी यहां पर मजबूत बैट्समैन के लिए तो वो यहां पर विकेट मिली जाती है। इसके साथ ही यहां पर मलंगा के 2007 में यहां पर हैट्रिक लेने का कारनामा किया है जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है जो कि यहां पर विश्व रिकॉर्ड है। मलंगा जैसे बॉलर है जिन्होंने दो बार यहां हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। आपको बता देंगे यहां पर केमर रोच यहां पर 2011 में नेदरलैंड के खिलाफ यहां पर हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अपने नाम है। इसके अलावा बता दें 2011 में फिर लसित मलंगा ने यहां पर हैट्रिक केन्या के खिलाफ लेकर ये इतिहास रचा है और वो बने ऐसे खिलाड़ी ऐसे बॉलर जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट दो बार हैट्रिक लेने का कारनामा करके दिखाया है। अगर आपको बता दें 2015 में जो स्टीफन जो कि यहां पर 2015 में यहां पर इंग्लैंड के बॉलर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और फाइनल ओवर में यहां पर हैट्रिक लेने का कारनामा ये किया था। इसके अलावा 2015 में जेवी डुमने जो कि यहां पर साउथ अफ्रीका के एक स्पिनर बॉलर हैं और यहां पर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। और इसके अलावा भारत की तरफ से 2019 के अंदर जो हैट्रिक आई है वो मोहम्मद शमी के द्वारा आई है जो कि यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और आपको बता दें कि यहां पर मोहम्मद शमी दूसरे वो यहां पर बॉलर बने हैं आईसीसी टूर्नामेंट में हैट्रिक ली है। और आपकी क्या राय है कि इसी प्रकार भारतीय जो बॉलर है वो हैट्रिक लेते रहे और यहां पर आईसीसी टूर्नामेंट 2019 जीतकर इतिहास रचे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल बनता ही यार दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों एक नए रिकॉर्ड के साथ फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।